शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा झारखंड उभरता, झारखंड। नमस्कार चुहार, उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जो भी कठिनाइयों से टकराता है सफलता के मार्ग में, वही आगे बढ़ता जाता है। आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महिलाओं को सशक्त कर रहा है सखी मंडल। जी हाँ, सखी मंडल महिलाओं का एक ऐसा समूह है जो महिलाओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विकास के पथ पर बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। जी हाँ, महिलाओं को ये सशक्त बना रहा है, आत्मविश्वास भर रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, या कृषि से संबंधित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में यह समूह महिलाओं को पूरा सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं सखी मंडल किस तरह से महिलाओं को सशक्त बना रहा है। झारखंड प्रदेश की महिलाएं अब उस दौर से निकल चुकी हैं जब वे घर की दहलीज पर सिमटी रहती थी। थोड़े से पैसों के लिए ये पहले तो अपने पिता, फिर पति और फिर पुत्र पर निर्भर रहती थी। आज यहाँ शहरों से लेकर ग्रामीण महिलाओं तक में जागरूकता आ गई है। ये महिलाएं अब समूह से जुड़कर खुद को स्वावलंबी बना रही हैं। हमारे झारखंड के विभिन्न गांवों में कई सखी मंडल देखने को मिल जाएंगे। इन सखी मंडल की महिलाएं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से प्रशिक्षण हासिल कर खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। ग्रुप में जुड़ के हम लोग बहुत बदलाव लाए। कहे कि हम लोग पहले पैसा नहीं था उतना, लेकिन हम लोग सोचे कि अपना खुद अपना घर में बैंक बनाएंगे, अपना गाँव में बैंक बनाएंगे और अच्छा ढंग से खेती बाड़ी करेंगे, अच्छा से घर चलाएंगे, बच्चा इन लोग को अच्छा स्कूल में एडमिशन कराएंगे और ये नया तकनीक से खेती करेंगे। पहली बार तो पीजी बना, पीजी से हम लोग लिए से स्लिप आया था लखनऊ से, तो उसको नर्सरी लगाए, उसके बाद स्लिप बढ़ा के हम लोग अपना ये खेती कर रहे हैं। तुलसी के बारे में जानते हैं, जो वन तुलसी बोलते हैं उसे भी तेल निकलता है, और लिप्टस का पत्ता से और लेमन ग्रास से गिलवे होता है, वो भी जड़ी बूटी में काम आता है, और एक तो वो भासम पत्ता बोलते हैं वो भी गैस में काम देता है, और चिराता बोलते हैं बुखार में भी काम आता है। जब हम लोग को कोई पैसा नहीं देने लगा, मतलब जब ऐसा तो चर्चा होता था कि चलो ग्रुप बनाएंगे, सबको ज़रूरत पड़ती है ग्रुप का, तो फिर पैसा कोई मतलब पैसा मांगने से भी नहीं देता है। अब हम लोग अपना ग्रुप बनाए, उसी से हम लोग लोन लेते हैं, उसमें किसी को मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके लिए अपना ही ग्रुप में हम लोग पैसा 2 रुपया के हिसाब से उसको देते हैं सूद, और फिर जितना ज़रूरत पड़ता है उसको निकालते हैं। अपने हम लोग सब मिले और हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग रखते हैं पैसा 20 रुपया सब सप्ताह में करके, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है पैसा का, इस तरह से शुरुआत में हम लोग रखे हैं। झारखंड के गाँवों में सखी मंडल से जुड़ी ऐसी कई महिलाओं के उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने खेती, बागवानी तथा पशुपालन इत्यादि का प्रशिक्षण हासिल कर खुद को रोजगार से जोड़ा है। JSLPS आत्मा तथा कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर इन महिलाओं ने न सिर्फ अपनी कृषि को उन्नत बनाया है बल्कि अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया है। ये महिलाएं अपनी आमदनी से अपने परिवार का सहयोग तक करने में सक्षम हो गई हैं। ट्रेनिंग होता है तो प्लानिंग हम लोग पहले से बनाते हैं कि इस बार मौसम का हिसाब से कि क्या इस बार लगाने का है, तो हम लोग तैयार करते हैं कि इस बार हम लोग जितना भी कृषि उद्यमी हैं सबको हम लोग अपना डिमांड किए हैं कि ओनियन का खेती करेंगे, और ये गाँव को यही वाला बढ़ावा देते हैं कि
अच्छा से खेती कीजिए। कब डिवर्मिंग देना है, कब उसको क्या क्या दाना देना है, वो सब का मैं काम करती हूँ, पैदल घूम के वही काम करके। और उस समय हम देखते थे इतना बाछी उछी का ये नहीं था, बस पहले तो हम लोग का बैप की तरफ से भी काफी स्टार्टर था, अब तो कुछ नहीं। अब किसान इतना आगे बढ़ गया कि सब कुछ अपने से करने लगा, सही पे टाइम देना, सही उसको मिनरल देना, उसका खान पान सही तरफ से। पहले वैसा नहीं था सर, हम लोग बोलते थे फिर भी उसको नहीं करता था। हम लोग काफी स्टार्टर फ्री में बांटते थे सर, उसको फेंक देता था हम लोग। अब हुआ किए के हर एक बीज के फ्री में हम लोग देते थे, बांटते थे उसको, हम लोग देखते थे कि वो लोग फेंक देता था, बांटता था नहीं। तो अब तो वैसा नहीं है, तो खरीद के सब कर रहा है। अब तो किसान कहता है हमको काफी स्टार्टर चाहिए, पहले हम लोग फ्री में देते थे, यूज नहीं करता था, लेकिन अब मतलब इतना सामर्थ हो गया लोग। लोग कोऑर्डिनेटर के थ्रू आए थे, ट्रेनिंग किए, सबसे फर्स्ट में आए, ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग के बाद हम लोग फिर जुड़ गए, एक समिति बनाए और हम लोग जुड़ गए यहाँ। जैसे कि बहुत ही एरिया में ओल होता है, ओल आंवले है, लींबू है, कटहल है, और इस सब का कटहल आम बहुत सारा है, पहाड़ी एरिया है, आम है, वही आम का अचार भी बनता है, मिक्स भी बनता है, मिक्स अचार बनता है। जैसे कि हम लोग को होता है बाहर निकलने में कि वहाँ ऐसा ट्रेनिंग चल रहा है, चलिए ट्रेनिंग करेंगे, कुछ सीख लेंगे। जैसे गांव घर में बहुत होता है तो सीख के मतलब लौट के कुछ हम लोग गांव घर में बताएं, लेकिन गांव घर में हम लौटे नहीं, यहीं अच्छा लगा विकास भारती में, और यहीं जुड़ गए और यहीं काम करने लगे। यहाँ की महिलाओं में सखी मंडल से जुड़ने के बाद एक आत्मविश्वास जागा है। ये महिलाएं आज समूह की महिलाओं के साथ मसाला बनाने का कार्य कर रही हैं। ये उसका प्रसंस्करण और पैकेजिंग कर बाजार में एक नए ब्रांड के रूप में बेच रही हैं और उससे आमदनी तो प्राप्त कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने राज्य का नाम भी रोशन कर रही हैं। मसाला का शुरुआत तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और सीसीएल के सर लोग आए, यहाँ पर प्रार्थना करवाने के लिए आते थे और वो ऑर्गेनिक के विषय में कुछ बताने आते थे। तो हम लोग महिलाएं यहाँ पर सब समूह की महिलाएं रहती थी, वो हम लोग ध्यान से उनकी बातें सुने। तो यहाँ पर सुशील कुमार पांडे जी आए हुए थे जो एग्रीकल्चर में थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, मशीन दिखाएंगे और आप लोग को ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो हम लोग पहले तो हम लोग जाते नहीं थे, फिर एक सामने मतलब सामने थे लेकिन भी नहीं जाते थे, सोचते थे कि नहीं जाएंगे, छोड़ो हटाओ, फिर क्यों नहीं जाएंगे, मतलब इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं, जानकारी कुछ नहीं था। तो फिर एक दिन हम ही लोग को बोले कि सुनिए सो चलिए तो एग्रीकल्चर आखिर बताएंगे तो वो अच्छे के लिए ही बताएंगे, कम से कम एक बार सुन के तो आए क्या बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऑटो किए, इनका थी सामने जो घर वाले हैं उनका ऑटो किए, वो बोले थे कि हम ऑटो का खर्चा दे देंगे यदि आप लोग आइएगा। तो हम लोग ऑटो में 6-7 महिलाएं गए, तो वहाँ पर हाँ 4-5 पुरुष भी गए। वहाँ पर सुशील कुमार पांडे जी ट्रेनिंग रूम में ले गए और हम लोग को मसाले के विषय में बताए कि आप लोग यदि समिति से मसाला का प्रोडक्ट कीजिएगा, उत्पादन कीजिएगा, तो आप लोग को बहुत फायदा होगा। अकेला आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग लघु उद्योग उसको कर सकते हैं। हम लोग उसके बारे में बोले सर, उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ की महिलाएं हुनरमंद तो हैं ही, इन लोगों ने सखी मंडल से जुड़कर अपने हुनर को व्यावसायिक रूप देना भी सीख लिया है। ये महिलाएं आज सिलाई, कढ़ाई, बांस की कलाकृतियां, हस्तशिल्प, पेंटिंग आदि जैसे माध्यमों से स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न कर रही हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव ला रही हैं। बांस कर कलाकारी से मतलब गांव में प्रशिक्षण होते रहे, तो वह प्रशिक्षण ने हमें प्रशिक्षण दिली और उकरे से हमें आगे निकल ली, बांस कर काम कर रही थी। आज कर डेट में तो बांस कर सारे काम लुटाले जाते, फाइबर का सब चीज़ निकल गया है, तो बांस कर तो वैसा सेलिंग नहीं है। जैसे हम इनकर देखते ने पहले खुद हमने माथा में खाँची ने बोह के खाद माइन बीज लगत रही, तो आज तो खुद से ट्रक ने लेके गिराए देवी ला ये अल्मोनियम सिल्वर कर पड़ता ने हमें सब बूझ कर रही। तो हम इनकर तो ना सूप बेचा थे ना खाँची बेचा थे, तो हम इनकर कला की रीति लुटाले जाते, तो कला की रीति लुटाले जाते तो कि हम इन कैसे जिंदा रखब, कैसे हम इन रोजी रोटी चलाब। तो आज कर डेट में जैसन मांग होवत है बाजार में, जे चीज़ कर नया मांग होवत है,
आज कर डेट में वो सब मांग नहीं होवत थे, नया मांग होवत थे, तो वह जैसन मांग होवत थे वह जैसन हमें एक नेट मोबाइल ने भी देखी ला, बाहर मार्केटिंग भी जाए ला, तो मार्केटिंग में भी हम इनके काफ़ी अनुभव होवेला। पहले हम इन बहुत बदलाव जैसे कि हम इनकर रहे कमी, अभी हम इनकर बहुत बदलाव वाला है कि हम इन बाल बच्चा पढ़ा थी लिखा थी, स्टैंडर्ड से स्कूल भेजा थी, अपन स्टैंडर्ड से जे भी अपन खात पिया थी सारा चीज़ हम इनकर पूर्ति हो जाते। और पहले हम इनकर तो रहे बाँस भी रहे मगर हम इन यूज नहीं करे जानत रही, हम तो सोचत रही कि छुआ एक रुपया मांगत है तो एक रुपया नहीं देवे पारत रही, मगर बाँस के जब ये सब बाँस निकल के हर जैसे कि बहुत इनकम बन के हम के बाँस बहुत बिकत है। एखन हमें महीना में तो एक एक दो दू को बेचते रही ला, मगर साल में 25,000 50,000 60,000 ऐसा बराबर बेचते रही ला। हम लोग लाह से बटम बनाते हैं, चौड़ी बनाते हैं, गभा बनाते हैं लाह से। पहले तो ही लाह को पहले ही चक्रीय विकास में जो हम लोग का फील्ड है उसमें हम लोग लाह लगा चुके हैं, सिमिया लता का लाह लगाए हैं, पारस का लाह लगाए हैं, बैर का लाह लगाए हैं, कुसुम का लाह लगाए हैं। उसको हम लोग उगा लेते हैं, उगा के फिर हम लोग लाते हैं यहाँ भवन में ही, पुराना पुराना टूटा फूटा भवन है उसमें लाते हैं इकट्ठा करके। पहले लाह को इकट्ठा करके तब चूड़ी के लिए कुछ व्यवस्था किए, पाउडर उडर खरीदे, कच्चा गरम लाह मंगवाए और ठंडा लाह मंगवाए, उसको मिला के ही हम लोग चूड़ी का निर्माण कर रहे हैं। पहले तो लाह उपजाते थे, ऐसे ही बेच देते थे। हाँ बेच देते थे, अब जो हम लोग जब तक जुड़े हुए हैं तब तक से हम लोग अपने ही लाह से हम लोग ही कर रहे हैं। हम लोग का अभी पहले का लाह के उत्पादन से तो थोड़ा कम था, अभी चूड़ी का में ज़्यादा हो गया है, कहे कि चूड़ी का मेहनत ज़्यादा है तो हम लोग का उसी के तरह से हम लोग का आगे बढ़ रहा है हम लोग का लागत, और उसी के तरह से हम लोग का ये हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। एकता में बहुत शक्ति होती है। झारखंड की महिलाओं ने समूहों से जुड़कर अपनी किस्मत के द्वार खोल लिए हैं। सखी मंडल से जुड़कर ये महिलाएं अपने लिए रोजगार खड़ा कर रही हैं और खुद को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त कर रही हैं। देखा ना आप सभी ने किस तरह से एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर चार कहावत को सत्य कर दिखाया है इन लोगों ने। ये एक साथ मिलकर लोगों को रोजगार दे रहे हैं और खुद भी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से झारखंड में डिजिटल क्रांति आ चुकी है। जी हां, हमारे झारखंड में पुरुष महिलाएं और बच्चे डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ चुके हैं। आज बच्चे डिजिटल मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं डिजिटल क्रांति। जब विज्ञान तरक्की करता है तो उससे कहीं ना कहीं हम सब लाभान्वित होते हैं। डिजिटल क्रांति ने भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने न सिर्फ हमें सुविधाएं दी हैं बल्कि हमारे लिए रोजगार के कई नए नए अवसर भी सृजित किए हैं। अपना झारखंड प्रदेश भी इस क्रांति के दौर से गुजर रहा है। यहाँ के शहरों से लेकर गांव तक में कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इस डिजिटल क्रांति ने सबसे पहले तो झारखंड की शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया है। यहाँ के विद्यालयों में अब इंटरनेट, कंप्यूटर आदि की मदद से बच्चों को स्मार्ट क्लासेस की सुविधा मिल रही है। डिजिटल इंडिया आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गांव में। गांव में जब तक हम इस विषय को लेके नहीं पहुँचेंगे तब तक जो हमारा कल्पना है वो सही नहीं हो सकता है। कारण है कि आज गांव में विभिन्न प्रकार का योजना तो गांव के लिए है, पंचायत के लिए है। प्रधानमंत्री 55-54 योजना दे दिया है, मगर गांव के लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे लिए क्या है क्या नहीं है। आज अगर ये करना है तो गांव में ये कार्यक्रम चलाना होगा, गांव के लोगों को डिजिटल के माध्यम से सारा जानकारी देना पड़ेगा, ताकि मतलब उनका जो गांव का जो आवश्यकता है, जो गांव के विकास के लिए जो आता है, उसके लिए अपने आप जाने और जाके उस अधिकार को प्राप्त करने करें, ये हम लोगों का प्रयास है। इसके लिए एक हमारा IIT मुंबई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है,
स्पोकिंग ट्यूटोरियल कंप्यूटर कोर्स। इसके माध्यम से क्या होता है, इधर स्पोकिंग भी होते रहता है और इधर जो काम करने का होता है वो सिखाया जाता है। बार बार अगर हमको यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर उसको हम बंद करके फिर पुनः वहाँ से स्टार्ट करके फिर अपना जो समस्या है उस समस्या को खुद अपने जो शिक्षार्थी हैं खुद अपने से देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। और नहीं होगा उस परिस्थिति में हमारे यहाँ सहयोग के लिए शिक्षक है, शिक्षक अपना काम बताते हैं कि इसको ये करने से। गांव आकर हम लोग को यही कंप्यूटर सीखने का या देखने का मौका मिला है। इसे आगे जाकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी पार्ट वन का कुछ भी वैकेंसी या शहर में जाकर कंप्यूटर अपने से अगर सीखे नहीं रहेंगे तो शहर में जाकर अधिक पैसा लगता है, अपने सीखे रहेंगे तो कम पैसा में ही कर सकते हैं। एक तरफ जहां झारखंड के विद्यार्थी तकनीक आधारित शिक्षा लेकर दुकानों से लेकर दफ्तरों में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से वे स्वरोजगार से भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पुरुषों से लेकर महिलाओं तक गांव-गांव में CSP चला रही हैं। ये इसके जरिए जनता को सहूलियत तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ स्वयं के लिए रोजगार भी खड़ा कर रहे हैं। एक इमेज तो हम लोग बना लेते हैं कि क्या क्या है, लेकिन जब हम लोग वीडियो या ऑडियो से देखते हैं सर, तो मतलब क्लैरिटी उस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और हमें बहुत कुछ ज़्यादा जानने के मतलब डीपली जानने के मिलता है। तो पहले से ये ट्रेंड है कि हम लोग को कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देना है, तो उससे वो बेटर होता है और हम लोग को लर्निंग मिलता है कि कंप्यूटर के बारे में मोर और जानते हैं। अब तो सब लोग ही ऑनलाइन होने लगे हैं, हर जगह ऑनलाइन ही का इस्तेमाल होता है, तो अब हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करना ज़्यादा जानते हैं। फिर उस पर टेस्ट देते हैं और कंप्यूटर का टेस्ट में एररलेस होता है, सो फिर हम लोग उसको अच्छे से चेक करके वापस टीचर को देना नहीं पड़ता है, तो एररलेस भी होता है, ऊपर से हम लोग को ज़्यादा लर्निंग मिलता है। हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं जो हमें कंप्यूटर की जानकारी देता है और हमें प्रैक्टिस करवाता है अपने फ्यूचर के लिए, ताकि हम बड़े होकर हम आसानी से वो परीक्षाएँ दे सकें। और कंप्यूटर बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे कार्य को आसान कर देती है, इसीलिए भी परीक्षाओं में कंप्यूटर का यूज़ होता है। हम लोग को कैलकुलेशन करने में कितने मार्क्स है और कंप्यूटर का भी झूठ नहीं बोल सकते, ये तो सभी को पता है। एजुकेशन में जो है आमूलचूल परिवर्तन हुआ है डिजिटलाइजेशन से। बच्चों की लर्निंग जो है वो अफेक्टिव हुई है, सहज हुई है, सरल हुई है। बच्चों के जो एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, अब हम अपने को सीख और टेस्ट जो है आसानी से कर सकते हैं। अब आजकल जो है फिजिकल बुक्स की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर डिजिटलाइजेशन से एक टीचर कहीं भी बैठ के बहुत से लार्ज स्केल में बच्चों को पढ़ा सकता है और एक क्लिक से हमको बहुत सी बुक्स जो है ई लाइब्रेरी और के थ्रू जो है मिल जाती है। जिससे आप देखें कि जो हमारी कमी थी, चाहे टीचर्स की कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, हमारा कंट्री चूँकि डेवलपिंग कंट्री है, तो हमको लगता है कि डिजिटलाइजेशन से ये सब जो टीचिंग है वह बहुत अफेक्टिव और सबके तक पहुंच सकती है, बहुत सुदूर जगहों तक जो है वो पहुंच सकती है, मेरा मानना ऐसा है। झारखंड में आई डिजिटल क्रांति ने लोगों को रोजगार से तो जोड़ा ही है, साथ ही साथ इसने आम जनता को भी लाभान्वित किया है। आज यहाँ के लोग मोबाइल के जरिए पैसों की लेन देन करते हैं। गाँव में CSP की मदद से लोग बैंकिंग कार्य भी कर रहे हैं। ये लोग अब लाइसेंस के आवेदन से लेकर जमीन के म्यूटेशन तक में कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद लेते हैं। इससे इन्हें अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और इससे इनका काफी समय भी बच जाता है। मेरा CSE सेंटर में सभी तरह का काम होता है, जैसे ऑनलाइन अप्लाई, पैसा निकालना, जाति आवासीय, सभी तरह का काम होता है। इंश्योरेंस हो गया, सरकारी गैर सरकारी सभी तरह का, जैसे सरकारी में आ गया आपका आयुष्मान कार्ड, बहुत सारा का होता है। जी बहुत CSE सेंटर खोलने से गांव के लोगों को क्या फायदा है? बहुत तरह का फायदा हो रहा। पहले CSE के मतलब सेंटर नहीं रहने के कारण बाहर जाना पड़ता था, अभी तो सब चीज़ CSE में ही मिल जा रहा है। अपना गाँव में ही सारा समस्या का समाधान हो जा रहा है, जैसे बिजली बिल,
इंश्योरेंस, जाति आवासीय जमीन का बहुत सारा है जो CSC प्रोवाइड कर रही है हम लोग को, सारा सर्विस हम लोग को CSC प्रोवाइड कर रही है। जो जगह जगह पर आधार से पैसा निकासी, बैंकिंग सेवा से रिलेटेड, स्टूडेंट्स लोग का जाति आवासीय से रिलेटेड, ई कल्याण से रिलेटेड सारा चीज़ सेवा दे रहे हैं हम लोग के माध्यम से। बहुत जो मोदी जी का डिजिटल को बढ़ावा देना था उसमें हम लोग कदम से कदम आगे बढ़ने के लिए उनका योगदान दे रहे हैं और आगे कर रहे हैं। झारखंड की बहुत अच्छा स्थिति है। अभी बैंक पे जाने पर आप कोई भी बैंक जाएंगे तो लाइन लगा हुआ रहता है पैसा निकासी के लिए। हमारे यहाँ आएंगे तो तुरंत आधार से पैसा निकासी हो जा रहा है, सारा चीज़ तुरंत तुरंत हो जा रहा है। ऐसा ऐसा सेंटर नगरी में बहुत सारा खुल गया है जिसके चलते आम लोगों को, ग्रामीणों को बहुत सारा जल्दी से अपना उनका काम हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सुविधाएँ हैं, आयुष्मान कार्ड का है सुविधा, है ना, मैंने ग्रामीण के लिए बहुत ही अच्छा है कि आयुष्मान है और आधार उधार से लेकर जुड़े हुए है सारा चीज़ है ना। वैसे ग्रामीण को पैसा निकासी उकासी DGPay के से हो रहा है, सारा काम ही हो रहा है, कोई वैसा दिक्कत नहीं हो रहा है। लोकल ग्रामीण क्षेत्र वालों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रहा है, उससे और क्या चाहिए। विद्यार्थी लोग के लिए अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है ना, सारा अथी CSC सेंटर वाला बना दे रहे हैं, CSC वाला को दिया हुआ है बनाने के लिए, वही हम ही लोग बना रहे हैं अभी, तो लोग को तो फायदा ये हो रहा है। ये CSC सेंटर गांव में खुलने से लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है। इससे लोगों का भाड़ा भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है, प्लस अपना घर के पास ही उसको सुविधा प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ जो भी है सरकारी या फिर प्राइवेट जो भी, सब इंश्योरेंस हुआ, जमीन का जो भी काम है वो है, कास्ट इनकम सब ऑनलाइन यहाँ काम होता है, बैंक का भी काम होता है, लगान रसीद है वो वगैरह सब। मैं यहाँ फॉर्म भरने आई थी, यहाँ बहुत सारा काम होता है, जैसे कि यहाँ ऑनलाइन जितना भी सरकारी फॉर्म वगैरह होता है सारा चीज़ भरा जाता है, और कास्ट जाति इनकम आवासीय ये सारा चीज़ भरा जाता है, और जितना भी बैंक का काम वगैरह होता है पैसा का, वो सब हम लोग यहाँ से भी इस सेंटर से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को पहले इस गांव में नहीं था ये सेंटर, इस वजह से हम लोग को अपना भाड़ा और समय निकाल करके बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज इस सेंटर के खुलने के बाद हम लोगों को काफ़ी लाभ मिल रहा है और हम लोग को समय भी हम लोगों का बच रहा है। ये सेंटर खुलने के बाद बहुत से ऐसी सुविधाएँ हैं जो हमें दूर जाने के बाद मिलती थी, वो अभी करीब में मिल रही है। इस सेंटर के खुलने से बहुत सारे जैसे जाति आवासीय या तो फिर गाड़ी लाइसेंस अप्लाई हो गया और बहुत सी सेवाएं दी जाती है। ये डिजिटल खुलने का वजह से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि पहले स्टूडेंट को बहुत दूर जाना पड़ता था, अब उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है, प्लस समय का बचत हो रहा है। अपने प्रदेश झारखंड के शहरों से लेकर गाँवों तक में कंप्यूटर और इंटरनेट का जाल विस्तृत होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारी शिक्षा और रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आम जनों को डिजिटल क्रांति सुविधाएं देकर उनके काम को सरल बना रही है और उनके जीवन को भी बदल रही है। अपलोड डाउनलोड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ट्वीकिंग ट्रैकिंग ब्रॉडबैंड बैंडविड्थ साइन इन साइन आउट लाइक कमेंट शेयर ASAP राइट नाउ। 2 साल का सफर है। देखा ना आप सभी ने, हमारा झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में पहले बहुत सारी परेशानियां थी और इन परेशानियों को खत्म कर रहे हैं डिजिटल क्रांति। आप भी डिजिटल क्रांति की ओर कदम बढ़ाइए, जानकारी प्राप्त कीजिए और विकास के पथ पर बढ़ते जाइए। हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। चुहार विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता, झारखंड हमारा, झारखंड उभरता, झारखंड।